हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे, मैं आपका। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डर्बीशायर एंड वॉरविकशायर के बीच जो रॉयल लंदन कप का आज एक मैच खेला जाएगा उसी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे हम इन डेप्थ एनालिसिस के साथ हर एक मैच को आपके लिए कवर करने का कोशिश करते हैं। हम आपको इंडिपेंडेंट बनाने का कोशिश करते हैं और हम ये भी कोशिश करते हैं कि कैसे कौन से प्लेयर को कब लेना है और कब नहीं लेना है वो लॉजिक के साथ आपको समझाने का कोशिश करें। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैच होगा डर्बीशायर एंड वॉरविकशायर के बीच में। ये मैच शुरू होगा दोपहर को 3:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। वेन्यू कहाँ का है? वेन्यू है काउंटी ग्राउंड डर्बी, मतलब ये डर्बीशायर का होम ग्राउंड होने वाला है। ठीक है, अब इस ग्राउंड का हम पहले स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि कैसे पिच बिहेव करता है, एवरेज स्कोर कितना है, स्कोरिंग पैटर्न कैसा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ODI स्टैटिस्टिक्स अगर आप पहले उठा के देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक 50 ओवर का मैच होने वाला है, तो हम पहले ODI स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। तो टोटल यहाँ पे 2 ODI मैचेस खेले गए हैं आज तक। एक बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है और एक बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम जीता है। एवरेज स्कोर वाइल बैट फर्स्ट है 225, मतलब उतना हाई फाई स्कोरिंग ग्राउंड ये नहीं है। अगर 250 260 तक जाता भी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 7-8-9 विकेट तक गिर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उतना हाई फाई स्कोर नहीं बना है। हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया था 269/8, लोएस्ट स्कोर 181 फॉर ऑल आउट। अगर आप इस मैदान का स्कोरिंग पैटर्न थोड़ा सा समझने का कोशिश करोगे 50 ओवर्स के गेम में, तो यहाँ पे बिलो 200 एक बार बना है, 200 एंड 249 के बीच में एक बार भी नहीं बना है, एंड 250 एंड 299 के बीच में एक बार बना है। तो अगर शुरुआत ठीक ठाक मिलता है तो आपको इस रेंज पे स्कोर दिख सकता है, और अगर ठीक ठाक शुरुआत नहीं मिलता, 100 रन्स के अंदर 3 से 4 विकेट गिर जाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 250 के नीचे आपको टोटल दिखेगा। अब सिर्फ 2 ODI मैचेस के बेसिस पे हम किसी पिच को जज नहीं कर सकते, तो इसलिए T20 डोमेस्टिक एंड T20 इंटरनेशनल मैच यहाँ पे जितने भी हुए हैं वो मैंने आपके सामने उठा के रख दिया है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। जहाँ पे T20 डोमेस्टिक मैचेस यहाँ पे टोटल 35 खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 17 टाइम्स जीता है एंड बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम भी 17 टाइम्स जीता है। तो यहाँ पे पिच का कुछ ज़्यादा फेवर नहीं मिलता, चाहे आप बैटिंग फर्स्ट करो एंड बैटिंग सेकेंड करो। ODI का जो स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पे भी हमने देखा था, वहाँ पे के 2 मैचेस खेला गया था, एक बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता था, एक बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम जीता था। तो चाहे बैटिंग फर्स्ट करे एंड बैटिंग सेकेंड करे, उतना कुछ ज़्यादा फेवर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी एवरेज स्कोर वाइल बैट फर्स्ट 159 है T20 डोमेस्टिक मैचेस में, तो ठीक ठाक स्कोर यहाँ पे बन जाता है। उतना भी हाई स्कोरिंग नहीं बट उतना भी लो स्कोरिंग नहीं। हाईएस्ट स्कोर T20 डोमेस्टिक में 211/9, लोएस्ट स्कोर 94/10, क्योंकि डर्बीशायर का होम ग्राउंड है तो हाईएस्ट स्कोर भी इनका है, लोएस्ट स्कोर भी इनका है। सबसे ज़्यादा ये इसी ग्राउंड पे खेले हैं। बाकी स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देख लेंगे, 150 के नीचे 14 टाइम्स बना है जो कि बहुत ज़्यादा है, 150 एंड 169 के बीच में 9 टाइम्स बना है, एंड 170 एंड 189 के बीच में 8 टाइम्स, एंड अबव 190 गया है सिर्फ और सिर्फ 4 बार। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिच थोड़ा सा स्लोअर साइड पर आपको दिख सकता है। 150 to 165 ज़्यादा बनता है जो T20 डोमेस्टिक मैच है, एंड ODI मैचेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 250 to 260 के रेंज में इस मैच में स्कोर बनना चाहिए। अच्छा, तो एक और चीज़ मैंने आपके लिए ढूंढ ढूंढ के निकाला है कि किस टाइप के बॉलर को इस ग्राउंड पे ज़्यादा फेवर मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो, लेग ब्रेक बॉलर को सबसे ज़्यादा फेवर मिलता है इस टाइप के पिच पे, मतलब इस पर्टिकुलर ग्राउंड के पिच पे। फिर उसके बाद फास्ट बॉलर्स, क्योंकि डेथ में डालते हैं, प्लस उनको पिच से थोड़ा बहुत स्विंग मिलता है, सीम भी पोजिशन मिलता है। ठीक है, तो ज़रूर से फास्ट बॉलर्स को ट्राई करना है, लेग ब्रेक बॉलर्स को ट्राई करना है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उसके बाद हेल्प मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा लेग ब्रेक बॉलर को मिलता है, उसके बाद फास्ट बॉलर्स को, उसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, फिर मीडियम फास्ट, एंड फिर राइट आर्म ऑफ ब्रेक। मतलब राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर्स को यहां पे उतना कुछ खास हेल्प नहीं मिलता है, सबसे ज्यादा हेल्प मिलता है लेग ब्रेक बॉलर्स एंड फास्ट बॉलर्स को। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इस साल का जो रॉयल लंदन कप ये चल रहा है, यहाँ पे वॉरविकशायर एंड डर्बीशायर दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है अब तक, दोनों टीम का रीसेंट फॉर्म कैसा है।
तो वार्विकशायर एक मैच खेला है, एक हारा है, और वो चेस करते हुए हारा है, बैटिंग सेकंड, मतलब चेस कर रहा था टारगेट, वो चेस नहीं कर पाए, ठीक है। बाकी डर्बीशायर दो मैचेस खेले हैं, दोनों ही बैटिंग फर्स्ट करते हुए हारे हैं, ठीक है, मतलब ये टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाए हैं दोनों के दोनों मैच में, एक टारगेट को चेज नहीं कर पाए हैं और एक दोनों के दोनों मैच में टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाए हैं। तो सिनारियो अगर इस मैच में उल्टा होता है, मतलब अगर डर्बीशायर बैटिंग सेकेंड करता है और वार्विकशायर बैटिंग फर्स्ट करता है, तो आपको एक मुख्तलिफ जो है रिजल्ट दिख सकता है, ठीक है। अब हेड टू हेड लास्ट 5 मैचेस का देख लोगे, दोनों टीम्स के बीच में जो भी हेड टू हेड मैचेस हुआ है लास्ट 5, वहाँ पे डर्बीशायर 3 बार जीता है, 3 बार में से 2 बार चेस करते हुए जीते हैं, एंड वार्विकशायर 1 बार जीता है, नो रिजल्ट रहा है 1 बार। तो दोस्तों इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे मैचेस ऑन दिस ग्राउंड इन 2021, मतलब इस साल इस ग्राउंड पे जितने भी मैचेस हुए हैं वाइटलिटी T20 ब्लास्ट का, जो आपको पता है कि इस चैनल पे अच्छे खासे तरीके से कवर हुआ था, तो उसी बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि पिच कैसे बिहेव किया है इस साल वाइटलिटी ब्लास्ट पे। उससे हमें रिसेंट जो पिच का बिहेवियर है इसके बारे में पता चल जाएगा कि स्पिनर्स फेवर्ड है या पेसर्स फेवर्ड है, चेज होता है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट मैच जो हुआ था डर्बीशायर एंड वार्विकशायर के बीच में, इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में, जहां पे डर्बीशायर ने बैट फर्स्ट किया था, वार्विकशायर चेस कर दिया था, ये वेरी फर्स्ट मैच था इस पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर इस साल, ठीक है। तो पिच फ्रेश था तो टारगेट चेस हो गया, तो डर्बीशायर 160/8 किया, वार्विकशायर 161/7 किया। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट मिले, सेकेंड इनिंग में 5 विकेट मिले, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट एंड सेकेंड इनिंग में 2 विकेट मिले। इस मैच में बैट सेकंड करने वाला जो टीम था वो जीत गया। अब देख लेते हैं मैच नंबर 2 को। मैच नंबर 2 में क्या हुआ, डर्बीशायर ने फिर से बैट फर्स्ट किया, 196/5 किया, अच्छा खासा टारगेट बोर्ड पे टांग दिया था, बट लैंकाशायर उसको चेस डाउन कर दिया था क्योंकि पिच तब तक फ्रेश था। तो दोस्तों इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट मिला, सेकेंड इनिंग में 3 विकेट मिला और स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिला, ठीक है। बैट सेकेंड टीम यहाँ पे भी जीता, तो फर्स्ट दोनों के दोनों मैचेस में बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम, मतलब चेस करने वाला टीम जीता था, ठीक है। तो दोस्तों इस ग्राउंड पे जो मैच नंबर 3 हुआ था वाइटलिटी ब्लास्ट का, उसका अगर आप देख लेते हैं तो नॉर्थहैम्पटन शायर ने बैट फर्स्ट किया था, 141/8 किया था, डर्बीशायर ने उस टारगेट को चेस डाउन कर दिया था, फिर से बैट सेकंड टीम जीता, पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट मिले, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट मिला, पेसर्स को सेकेंड इनिंग में 3 विकेट मिला, स्पिनर्स को एक भी विकेट सेकेंड इनिंग में नहीं मिला, और ये सिर्फ तीसरा मैच था इस ग्राउंड पे, ठीक है। पेसर्स को भरपूर हेल्प मिल रहा है जब तक हमने देखा, मतलब अब तक हमने देखा, एंड सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग किया है अब तक जीता है। दोस्तों अब देख लेते हैं मैच नंबर 4 को उठा के, लेसिस्टेशायर ने बैट फर्स्ट किया, 174/8 किया एंड डर्बीशायर उस टारगेट को चेस नहीं कर पाया। फर्स्ट मैच जहां पे बैट फर्स्ट करने वाला टीम जीता था मैच नंबर 4 पे, क्योंकि पिच तब तक थक चुका था, ठीक है। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, पेसर्स को सेकेंड इनिंग में 3 विकेट, स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में 6 विकेट मिला, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हुआ काया पलट। नॉटिंगहैमशायर ने मैच नंबर 5 पे 137/9 किया, जहाँ पे स्कोरिंग जो रेट है वो गिर गया एंड विकेट्स ज़्यादा गिरने लगे, पिच थोड़ा सा डिटोरिएटेड हो चुका था तब तक, एंड वार्विकशायर उस टारगेट को भी चेज नहीं कर पाया, ड्रॉ हुआ मैच। यहाँ पे पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट, पेसर्स को सेकेंड इनिंग में 4 विकेट एंड स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में 5 विकेट मिला। तो दोस्तों मैच नंबर 6 में क्या हुआ, वॉर्सेस्टेशायर ने बैट फर्स्ट किया 167/6, बट ये टारगेट भी डिफेंड हो गया। पेसर्स को इस मैच में 3 विकेट, पेसर्स को सेकेंड इनिंग में 6 विकेट मिला, स्पिनर्स को टोटल 3 विकेट मिला इस पर्टिकुलर मैच में, बट टारगेट डिफेंड हो गया, बैट फर्स्ट करने वाला टीम जीता था। तो जो लास्ट मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, वहां पे बैट फर्स्ट करने वाला टीम जीता था। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, देखो शुरू में स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं मिलता था एंड बैट सेकंड करने वाला टीम जीत जाता था, ठीक है। सेकंड इनिंग में उतना कुछ खास विकेट नहीं गिरते थे, फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरते थे, बट जितना मैचेस होते गए इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे वाइटलिटी ब्लास्ट का, आपको दिखता गया कि सेकेंड इनिंग में जो टीम चेस करने आ रहा है उनको दिक्कत हो रहा है, प्लस स्पिनर्स गेम में आ रहे हैं सेकेंड इनिंग में। तो क्या वैसा ही सिनेरियो आप इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या वाइटलिटी ब्लास्ट पे जो पिच यूज़ हुआ था वही पिच इस मैच में भी यूज़ होगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखना, आपको और भी इन्फॉर्मेशन मैं देने का कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों डर्बीशायर का स्क्वाड हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्लेयर का इंक्लूजन हुआ है जो इंजरी से वापस आ रहा है, जॉर्ज स्क्रिमशॉ। इनको मैंने फर्स्ट मैच में भी रखा था बट फर्स्ट मैच में ही इंजर्ड हो गए थे, माइनर इंजरी था तो इसलिए ये वापस आ चुके हैं और इस मैच में खेलने चाहिए, ठीक है, प्लेइंग 11 में। तो दोस्तों अगर ये इस मैच में खेलते हैं तो किन के जगह खेलने चाहिए, मुझे लगता है कि कॉनर मार्शल, ये जो ऑलराउंडर ऑप्शन था बट इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था लास्ट के दो मैचेस में, इनके जगह जॉर्ज स्क्रिमशॉ को खेलना चाहिए जो कि एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है। तो मुझे लगता है कि जॉर्ज स्क्रिमशॉ काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे, आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए अगर प्लेइंग 11 में टॉस के बाद आपको दिखता है तो, ठीक है। दोस्तों डर्बीशायर ने जो फर्स्ट मैच खेला था इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का इस साल, वहाँ पे कैसा क्या रहा था हम पहले देख लेते हैं। डर्बीशायर बैट फर्स्ट करते हुए 275/7 किया था, ठीक ठाक स्कोर बोर्ड पे टांग दिया था। हैरी केम ओपनिंग किए थे बिली गोडलमैन के साथ, इस मैच में भी यही दोनों सलामी जोड़ी जो है ओपनिंग करेगा। बिली गोडलमैन वाइल बैटिंग फर्स्ट काफ़ी अच्छा किए थे, फर्स्ट मैच में 116 किए थे। इनको वाइस कैप्टन बना के चलना है इस मैच में अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो, ठीक है। सलामी जोड़ी के नीचे आपको दिख जाएंगे ब्रुक गेस्ट, जो दोनों ही मैचेस में काफ़ी अच्छे किए हैं, ये विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और लास्ट मैच में इन्होंने ही विकेट कीपिंग किया था, क्योंकि इनका जो विकेट कीपिंग आपको दिखाया जा रहा है हुसैन, वो लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे तो इसलिए इनका कंकशन इंजरी चल रहा है, कुछ दिन टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी एफ हडसन प्रेंटिस जो फर्स्ट मैच में फ्लॉप हुए थे काफ़ी बुरे तरीके से, बट सेकेंड मैच में इन्होंने कमबैक किया, सेकेंड मैच का स्कोर कार्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नीचे मैकरमैन का 20 रन का कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है कि उस मैच में आप अगर बॉलिंग कार्ड उठा के देख लोगे तो एफ हडसन प्रेंटिस जो कि इनके टीम का मेन बॉलर है एंड बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे हैं रवि रामपाल के साथ, वो ओपनिंग किए थे 9.3 ओवर्स किए थे, लगभग 10 ओवर किए थे दोनों ही मैच में, तो इनको ज़रूर से ट्राई करना है। नंबर 4 पे बैटिंग प्लस 10 ओवर बॉलिंग, रवि रामपाल 10 ओवर कंप्लीट करेंगे, मेन बॉलर है, एक विकेट लिए थे। बेन एचिनसन राइट आर्म मीडियम, ये भी 10 ओवर लगभग किए थे, दो विकेट निकाले थे। एम मैकरमैन 6 ओवर किए थे, लेग ब्रेक बॉलर है, ज़रूर से आप ट्राई कर सकते तो स्पेशली वाइल बोलिंग सेकेंड। ये तो दोस्तों अब देख लेते हैं डर्बीशायर का सेकंड एंड जो लास्ट मैच भी खेले थे उसका स्कोर कार्ड, जहां पे डर्बीशायर ने बैट फर्स्ट करते हुए 298/10 किया था। तो दोनों ही मैच में इन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है विद द बैट, तो इनका बैटिंग से कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मैच में 275 किए हैं, एक मैच में 298 किए हैं, ठीक है, तो इनका बैटिंग से दिक्कत नहीं है बट ये टारगेट को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका दिक्कत बॉलिंग में है, इससे हमें साफ साफ यही पता चलता है। हैरी केम दोनों ही मैच में फ्लॉप हुए थे, एक मैच में 6 रन, एक मैच में 2 रन, बट ग्रैंड लीग के लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक, स्पेशली वाइल बॉलिंग सेकंड बैटिंग सेकंड, ठीक है। ये बैटिंग सेकंड में काफी अच्छे करते हैं, वाइटलिटी ब्लास्ट में भी जब भी बैटिंग सेकंड करते थे तब हैरी केम को मैं रखता था थोड़ा सा रिस्क लेके एंड मुझे ये बहुत अच्छे खासे जिताते थे, ठीक है। बट ये बैटिंग फर्स्ट में उतना कुछ अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकली। बाकी बिली गोडलमैन इस मैच में अच्छा नहीं कर पाए, 12 रन्स का कंट्रीब्यूशन दिए थे। थॉमस वुड 12, ब्रुक गेस्ट जो कि विकेट कीपिंग किए थे लास्ट मैच में 74 रन्स का कंट्रीब्यूशन दिए थे, इनका ध्यान रखना, दोनों ही मैच में काफ़ी अच्छे खासे टच में लगे हैं एंड परफॉर्म भी किए हैं। बाकी एफ हडसन प्रेंटिस 93, इनके प्रीमियम ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी 10 ओवर कर रहे हैं, बैटिंग भी नंबर 4 से 5 तक आ रहे हैं, ठीक है। बाकी अनुज राल 8, एम मकरमैन नीचे से फिर से 20 रन का कंट्रीब्यूशन, एलेक्स थॉमसन 24 किए थे लास्ट जो मैच था वहां पे काफी अच्छे कंट्रीब्यूशन दिए थे, नीचे से 24 एंड बॉलिंग से भी 10 ओवर किए थे लगभग। बाकी रवि रामपाल को तो लेना ही है, विद द बैट ये 25 किए थे लास्ट मैच में। बाकी उस मैच का बॉलिंग कार्ड अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो एलेक्स थॉमसन राइट आर्म मीडियम 10 ओवर कंप्लीट किए थे, दो विकेट निकाले थे। रवि रामपाल 10 ओवर कंप्लीट किए थे, विकेटलेस गए थे। एव हडसन प्रेंटिस 93 करने के साथ साथ ये 9 ओवर करके दो विकेट भी निकाले थे। बाकी बेन एचिनसन इस मैच में फ्लॉप गए थे, मैट मैकरमैन भी इस मैच में विकेटलेस गए थे, अनुज डाल 3 ओवर, कॉनर मार्शल 2 ओवर। तो दोस्तों मुझसे एक छोटा सा गलती हो गया, वॉरविकशायर इस साल 2 मैचेस ऑलरेडी खेल चुका है और मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बोला था कि इन्होंने एक मैच खेला है, एक हारे हैं, ठीक है, बट ये 2 मैचेस खेले हैं, दोनों के दोनों ही हारे हैं। बाकी जो फर्स्ट मैच उन्होंने खेला था
221 रन पे ऑल आउट हो गए थे। ईडी पोलॉक एंड क्रिस बेंजामिन ओपन किए थे, 15 रन्स किए थे ईडी पोलॉक, क्रिस बेंजामिन 50, मैथ्यू लैम उस मैच में फ्लॉप गए थे 1 रन्स, माइकल बर्गेस जो इनके विकेट कीपिंग करेंगे 73 किए थे वाइल बैटिंग फर्स्ट नंबर 4 पे आके, बेथेल 2, ये बेथेल अच्छा खासा ऑलराउंडर है, ज़रूर से ध्यान रखिएगा इनका। इथन ब्रुक्स को का भी ध्यान रखिएगा, राइटर मीडियम बॉलिंग करते हैं प्लस अच्छा खासा बैटिंग कर सकते हैं। बाकी नीचे से और कोई खास ऑप्शन है नहीं। अगर हम इनका बॉलिंग कार्ड देख लेंगे उस मैच का, वहाँ पे रायन साइडबॉटम जो कि राइटर मीडियम बॉलर है ऑस्ट्रेलियन बॉर्न, 9.4 ओवर्स किए थे एक मेडन के साथ, एक विकेट भी निकाले थे। जेकॉब बेथेल जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, 4 विकेट निकाले थे जैसे कि आप देख सकते हो, कंप्लीट 10 ओवर किए थे। ई ब्रुक्स 9 ओवर्स करने के साथ साथ 2 विकेट निकाले थे। तो दोस्तों वार्विकशायर का जो सेकेंड मैच था इस साल का, वहाँ पे उनको 324 का टारगेट को चेस करना था जो कि वो नहीं कर पाए, 237 पे ऑल आउट हो गए। मतलब दोनों के दोनों मैचेस में ये ऑल आउट हुए हैं। तो वार्विकशायर का दोनों के दोनों मैचेस में अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों मैचेस में ये ऑल आउट हुए हैं। फर्स्ट मैच में 221 रन बना के ऑल आउट हो गए जो कि बिलो पार टोटल था, एंड सेकेंड मैच में ये 237 बना के ऑल आउट हो गए जो भी बिलो पार टोटल था। तो डर्बीशायर के बॉलर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, लॉजिक यही कहता है, ठीक है। बाकी सेकेंड मैच में ईडी पोलॉक फिर से फ्लॉप, रॉब येट्स जिनको चांस दिया गया, ये बॉलिंग भी किए थे, इनका बॉलिंग कार्ड मैं दिखाऊंगा बाद में, रॉब येट्स 103 किए थे, काफ़ी अच्छे खेले थे, ये स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। विल रोड्स इनका कैप्टन, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग 39 किए थे, इनको सीवीसी बना के चलो। माइकल बर्गेस इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे। बाकी मैथ्यू लैम 38 किए थे, इस मैच में इनको बॉलिंग का चांस नहीं मिला था। बाकी इथन ब्रुक्स 0 किए थे, बेथेल 20 किए थे, नीचे चक्रपाणी 4, बाकी कोई खास कंट्रीब्यूशन देने वाला है नहीं। अब इनका बॉलिंग कार्ड देख लेते हैं लास्ट मैच का, जहाँ पे साइड बॉटम वाइल बॉलिंग फर्स्ट फिर से एक विकेट निकाले हैं, कोटिया कंप्लीट नहीं किए हैं बट एक विकेट ज़रूर से निकाले हैं, डेथ में डालते हैं, ठीक है। रॉब येट्स ओपनिंग करने के साथ साथ 8 ओवर किए थे एक मेडन के साथ, 48 रन्स देके एक विकेट, तो रॉब येट्स का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, बहुत अच्छे सीवीसी ऑप्शन इस मैच में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी एम जोहल जो कि डेथ में डाले थे 8.4 ओवर्स एक विकेट निकाले थे, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। बेथेल कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं दोनों के दोनों मैचेस में, एक में 4 विकेट एक में एक विकेट। कोटेका कंप्लीट ओवर लगभग कर रहे हैं, नंबर 5 तक बैटिंग करने आ जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। बाकी विल रोड्स 3 विकेट निकाले हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है, रिसेंटली वाइडेंटी ब्लास्ट से काफी अच्छे परफॉर्म किए हैं, जरूर से ध्यान रखिएगा। ई ब्रुक्स भी काफी अच्छे किए हैं, 7 ओवर्स में 2 विकेट, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में दिए गए अब तक का इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो में अगर कुछ कमी लगा हो तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी इस मैच का जो मेरा बेस टीम बन रहा है वो मेरा ये बन रहा है फिलहाल। बाकी यहाँ पे जो 11वां प्लेयर है वो मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से एम बर्गिस को ले सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि ये बैटिंग फर्स्ट करे। अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होगा कि ये 60 70 50 रन कर जाए, ठीक है। बाकी बॉलिंग सेक्शन से अगर आपको किसी को लेना है तो बी एचिनसन, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे किए थे, बट लास्ट मैच तो नहीं, उसके पहले वाले मैच में काफ़ी अच्छे किए थे, ठीक है। बाकी एम जोहल बहुत अच्छे ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं क्योंकि लास्ट मैच में डेथ ओवर्स में डाले थे जो कि 50वां ओवर था और वहाँ पर इनको एक विकेट मिला था। बाकी इनका जो कैरियर रिकॉर्ड है उतना कुछ खास नहीं है। शी मार्शल को बहुत हाईली रेट किया जा रहा था बट इनको ओवर्स ही नहीं मिला ज़्यादा और मुझे लगता है कि इस मैच में ये रिप्लेस हो सकते हैं। बाकी यहाँ से ग्रैंड लीग में ट्राई करने लायक जी स्क्रीमशॉ, अच्छा जी स्क्रीमशॉ के बारे में बात करना भूल ही गया, जी स्क्रीमशॉ को स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है, इनको फिट बताया जा रहा है, अगर ये खेलते हैं तो मेरे टीम में होंगे, ठीक है। तो शायद मैं यहाँ पे एलेक्स थॉम्सन के जगह इनको ले जाऊँ क्योंकि अगर ये खेलते हैं तो एलेक्स थॉम्सन को मुझे नहीं लगता कि 10 ओवर करने को मिलेगा और ये एलेक्स थॉम्सन जो है सिर्फ लास्ट मैच में ही 10 ओवर किए थे, उसके पहले वाले मैच में ओवर ही नहीं डाले थे, तो ये बात आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से जो 11वां प्लेयर होगा वो आर साइड बॉटम भी हो सकते हैं, दोनों मैचेस में एक एक विकेट निकाले हैं, डेथ में डालते हैं, वाइल बॉलिंग फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बाकी तो मैंने बता ही दिया, एम मैकरमैन कंसिस्टेंटली 6-7 ओवर डाल रहे हैं, लेग स्पिनर हैं एंड नंबर 6 से 7 तक आके बैटिंग भी कर सकते हैं।
बाकी आप अगर मुझसे बोलोगे कि नहीं भाई मुझे बैटिंग सेक्शन से एक प्लेयर ट्राई करना है जो कि मेरा 11th प्लेयर होगा, तो यहाँ पे आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो मैथ्यू लैम को, जो कि नंबर 5 तक बैटिंग करने आए थे लास्ट मैच में, और फर्स्ट वाला जो मैच था वहाँ पे नंबर 3 पे खेले थे, बॉलिंग भी किए थे, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, ठीक है। बाकी हैरी केम जो कि कंसिस्टेंटली ओपनिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ये वाइल्ड बैटिंग सेकेंड ज़्यादा अच्छा करते हैं स्टैटिस्टिकली। बाकी टॉम वुड लास्ट मैच में नंबर 3 पे खिलाया गया था इनको, तो कुछ तो बात होगा इनमें, तो ज़रूर से इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। रिस्की स्मॉल लीग में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों इसी बेस टीम में अगर आप मुझसे पूछोगे कि CVC ऑप्शन के बारे में बताओ, तो यहाँ पे क्लियर कट 4 CVC ऑप्शन है जिनके बीच में आप किसी को भी चूज कर सकते हो। रिलायबल कौन है? विल रोड्स एंड एव हडसन प्रेंटिस, इनमें आप CVC रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना है तो रॉब येट्स लास्ट मैच में 8 ओवर स्पिन बॉलिंग के साथ साथ राइट आर्म ऑफ ब्रेक प्लस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड बिली गोडलमैन, ये भी काफ़ी अच्छे CVC ऑप्शन है, बॉलिंग नहीं डालेंगे बट वाइल बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है। तो यही 4 CVC ऑप्शन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, ग्रैंड लीग में आप बेथेल को ट्राई करना, फर्स्ट मैच में 4 विकेट निकाले थे वाइल बॉलिंग सेकेंड इनिंग में एक स्पिनर को हेल्प मिलता है, उस लॉजिक के साथ लगभग आप इनको CVC बना सकते हो, ठीक है। बाकी ब्रूक गेस्ट भी दोनों मैच में काफ़ी कंसिस्टेंट खेले हैं, बहुत अच्छे CVC ऑप्शन होंगे ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में नहीं। स्मॉल लीग में अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये 4 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं 4 के बीच में आप CVC बनाना, ठीक है। तो दोस्तों टॉस के बाद फाइनल प्लेइंग 11 एंड टॉस न्यूज एंड बैटिंग ऑर्डर के लिए आप जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर इन्हीं प्लेयर्स में से कोई नहीं खेलता है तो मैं फाइनल टीम तो नहीं बट बेस टीम विथ सजेशंस आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दिमाग आपको खुद का यूज़ करना है, सब कुछ मैंने समझा दिया है इस पर्टिकुलर मैच को लेके, चाहे वो पिच हो चाहे हर एक प्लेयर के बारे में मैं आपको बता दिया है, विद रिसेंट फॉर्म एंड स्कोर कार्ड उठा के भी दिखा दिया है। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, खुद का दिमाग खुद दौड़ाना है एंड अच्छा खासा टीम बना के खुद से विन करने का कोशिश करना है, ठीक है।